Hello and good evening students and welcome back to Global Online Platform. Today we are going to cover some of the important writers related to the age of John Milton, okay? Robert Burton, Thomas Brown and Jeremy Taylor. Okay, we'll cover these three today. You can get my lectures at 9 PM on a daily basis. But video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिसंबर एग्जाम में जेआरएफ लेने के स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा. उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको वीडियोज लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा, जिसे एज इट इज़ आप अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है दैट यू गोइंग टू गेट पेपर वन कम्प्लीट कोर्स फॉर फ्री, सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज़ हियर. नाउ फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए जो है आप ग्लोबल ऑनलाइन आपको फटाफट डाउनलोड कर सकते हो. स्टोर सेक्शन पे जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी. सर्च बार में जा करके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा. इसकी ड्यूरेशन, इसकी फ़ीस आपको सब मिल जाएगी. आप कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करते हो तो फोल्डर वाइज आपको चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है ना. हर एक यूनिट में थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेड कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की पीडीएफ आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक. रॉबर्ट बर्टन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है. इनकी जो ड्यूरेशन है 1577 टू 1640 के बीच में रही है. सो आप समझ सकते हैं कि ये किस एज से बिलोंग करते हैं और किस पर्टिकुलर टाइम के राइटर है, ठीक है. नाउ एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी एक बात है जो आप ध्यान में रख सकते हो. नाउ बहुत सारे जो है बर्टन ने बहुत सारे राइटर्स को जो है अट्रैक्ट किया था एज अ रीडर उनके वर्क्स को पढ़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सैमुअल जॉनसन हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, जॉन कीट्स हो गए, विलियम मॉसलर एंड सैमुअल बेकेट. जस्ट इमेजिन समवन सो ग्रेट इन देयर ओन फील्ड्स आर रीडिंग योर पीस ऑफ वर्क. ओके, सो सैमुअल जॉनसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन कीट्स, विलियम मॉसलर एंड सैमुअल बेकेट. सो दे आर वेरी फेमस राइटर्स. नाउ रॉबर्ट बर्टन के कुछ वर्क्स हैं जो हमें करने हैं. पहला है फिलोसोफिस्टर, ठीक है. दिस सीम्स लाइक फिलोसोफर, देन इट कम्स फिलोसोफिस्टर 1680. एक सटायरिकल लैटिन सटायरिकल कॉमेडी है. बेसिकली किस पे कॉमेडी है अभी आपको पता चलेगी, किस पे सटायर है ये भी आपको पता चलेगी. नाउ फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स इन द हॉल ऑफ क्राइस्ट चर्च, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में. उनके द्वारा जो है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा क्राइस्ट के हॉल पे, हॉल ऑफ क्राइस्ट चर्च के ऑक्सफोर्ड में बेसिकली परफॉर्म कराया गया था, ठीक है. और फिलोसोफेस्टर जो है ना कभी भी रॉबर्ट बर्टन के लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई. उसके बाद हुई है, किन्हीं एक एडिटर ने एडिट किया है और किसी ने पब्लिश कराया है, बट उनके लाइफ टाइम में कभी भी ये वर्क जो है पब्लिश नहीं हो पाई थी. देखिए इस प्ले को जो है परफॉर्म कराया गया और पैंड भी किया गया बाय किंग जेम्स द फर्स्ट हिमसेल्फ, ठीक है. सो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखना. नाउ बहुत ज़्यादा जो है इनमें ऐसा माना जाता है इस वर्क को लेके, इट सेज दैट रिसीव्ड मोर अटेंशन दैन मोस्ट ऑफ अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ड्रामा. जितने भी यूनिवर्सिटी ड्रामा हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा या कर किया है, सबसे ज़्यादा अटेंशन इसी पर्टिकुलर वर्क को ले को मिली है, ठीक है. नाउ बेसिकली एक तरह का कमेंट्री है, मैंने बोला सटायर है. तो किस चीज़ पे है कमेंट्री? ऑन द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ बर्टन सेरा एंड द प्रिवलेंस ऑफ सुपरफिशियल नॉलेज. वो अपने एज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एज के का भी सोच सकते हो. बहुत लोग जो हैं फैक्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ों की जो नॉलेज होती है उनकी सुपरफिशियल नॉलेज होती है, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ. तो इसी तरह की चीज़ जो है और बात जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन हिज पर्टिकुलर वर्क, ठीक है. तो यही हो रहा है. एक दो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप पढ़ोगे
एक दो अगर आप कैरेक्टर्स कर लेते हो दैट विल ऐड समथिंग टू योर नॉलेज, बट उसके अलावा यू डोंट हैव टू. ओके, नाउ द सेकेंड जो है द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली. ठीक है, द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली. नाउ इसका पूरा टाइटल इतना लंबा है, जस्ट रीड इट वंस. ओके, द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली वॉट इट इज कॉलिन विथ ऑल द काइंड कॉजेज सिम्टम्स प्रोग्नोस्टिक्स एंड सेवरल क्योर ऑफ इट इन थ्री मेन पार्टीशंस विद देयर सेवरल सेक्शंस मेंबर्स एंड सब सेक्शंस philosophically, medically, historically opened and cut up. Okay, it is the anatomy of melancholy, what it is, Colin, with all the kinds, causes, symptoms, prognostics and several cures of it in three main partitions with their several sections, members, subsections, philosophically, medically, historically opened and cut out. Okay, so this is the whole title, the full title. Now, except that, we have to do some of the other facts or key points. First published in 1621. ये ध्यान रखिए, first जो publish हुई है वो 1621 को हुई है. इसे तब कम से कम republish कराया गया है 5 times over the next years. ठीक है, 5 more times over the next 17 years. ठीक है, 17 साल जो आए ना उसके बाद, उसमें कम से कम इसे 5 से ज़्यादा बार जो है रीपब्लिश कराया गया है. नाउ देखिए, इन हिज सटायरिकल प्रीफेस टू द रीडर, प्रीफेस में बेसिकली वर्टस पर्सोना एंड सूडोनेम इज डेमोक्रेटस जूनियर. इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, यू डोंट नीड टू फॉरगेट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है. नाउ खुद को वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, आई राइट ऑफ मेलंकली बाई बींग बिजी टू अवॉइड मेलंकली. ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अकेलेपन को जो है दूर करने के लिए अकेलेपन में लिखता हूँ या फिर कोई भी काम करता हूँ. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जो है इस चीज़ के इफेक्ट से बचने के लिए यही काम करता हूँ. सो ही इज़ एक्चुअली सेइंग मेलंकली से बचने के लिए वो मेलंकली के बारे में लिखते हैं. ठीक है, आई राइट ऑफ मेलंकली बाई बींग बिजी टू अवॉइड मेलंकली. Now the book delves into the concept of melancholy, which was a term used in a Burton's time to describe a state of mental and emotional distress. Melancholy अभी तो बहुत अच्छे से describe किया जाता है. You are enjoying if you are having a solitude time, है ना. So यहाँ पे उस time पे बहुत ज़्यादा mental and emotional distress का state माना जाता था. उसी को जो है उसी के concept को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली उस बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, बॉटन ने बहुत ज़्यादा उनके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स के बारे में बात की है मेलंकली के. ठीक है, वेरियस कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ मेलंकली ही डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वर्क. दैट इज़ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर. उसमें आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है. नाउ दूसरी बात, दूसरी जो राइटर है थॉमस ब्राउन. ठीक है, 1605 to 1682. ठीक है, इन्हें इंग्लिश पॉलीमैथ माना जाता है. मेंशनड हियर, पॉलीमैथ क्या होता है? पॉलीमैथ बेसिकली क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है. ठीक है, और बहुत चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा इजीली इजी भाषा में उसे तोड़ते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ की नॉलेज देते हैं. ठीक है, तो ये जो है पॉलीमैथ कहलाते हैं, जिनको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पता हो एक ही इंडिविजुअल को. ठीक है, उसके अलावा आप देखिए, ऑथर ऑफ वैरिड वर्क्स विच रिवील्स इज वाइड लर्निंग. बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इनको नॉलेज था, जैसे साइंस हो गए, मेडिसिन, रिलीजन एंड द एसोटेरिक. ठीक है, सो मेडिसिन तो आप अभी देखोगे ही वर्क में, आपको अभी पता चलेगा कि मेडिसिन के बारे में वो कौन से वर्क में बात करते हैं. ठीक है, चलिए वर्क्स पे आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट थॉमस ब्राउन्स वर्क. नाउ सूडोडॉक्सिया एपिडेमी का, ठीक है, पहला वर्क है जो कि 1646 में पब्लिश हुआ है. कब हुआ है? 1646 में पब्लिश हुआ है ये जो है सूडोडॉक्सिया एपिडेमी का. ठीक है, ये ना एक इंसाइक्लोपीडिया है. I have also mentioned here encyclopedia है. ठीक है, इसे inquiries into very many received tenets and commonly presumed truths.
के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इंक्वायरीज इन टू वेरी मेनी रिसीव टेनेंट्स एंड कॉमनली प्रिज्यूम ट्रूथ्स। ठीक है, नाउ देखिए द टाइटल जो है ना रिफर करता है क्या, वो करता है फॉल्स बिलीव जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं उन टाइम के बारे में, वो बात कर रहे हैं। बट आप भी यहाँ के टाइम के रिलेट कर सकते हो, जिस टाइम पे आप हो अभी, फॉल्स बिलीव्स एंड वल्गर एरर्स जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैली हुई है, उसको रिफर करता है टाइटल सुडोडॉक्शिया। ओके, इंसाइक्लोपीडिया मैंने पहले ही बता दिया। अब दूसरी जो वर्क है वो है रिलीजियो मेडिसी, जिसको हम द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर कहते हैं। उसका मतलब होता है, हम नहीं कहते, अगर आप नहीं भी कहोगे तो देयर इज अ फिक्स्ड मीनिंग ऑफ दैट, या फिर रिलीजियो मेडिसी द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। ओके, इट वॉज पब्लिश इन 1643। एक स्पिरिचुअल टेस्टामेंट है, एन अर्ली साइकोलॉजिकल सेल्फ पोर्ट्रेट है ये। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो इसमें बात करते हैं, जैसे क्रिश्चियन वर्च्यूज ऑफ फेथ एंड होप एंड चैरिटी। ठीक है, क्रिश्चियन वर्च्यूज ऑफ फेथ का स्ट्रक्चर के बारे में वो बात करते हैं। पहला पार्ट में वो कहते हैं होप के बारे में, सेकेंड में उन्होंने कहा है चैरिटी के बारे में। ठीक है, नाउ ब्राउन एक्सप्रेसेस हिज बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोलाफाइड, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल। सोलाफाइड बेसिकली स्टैंड्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल, द लास्ट जजमेंट एंड द रीसरेक्शन एंड अदर टेनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो रिलीजन एंड डॉक्टर साइंस दोनों के बारे में इस पर्टिकुलर वर्क में बात हुई है। तो रिलीजन में बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल के बारे में, जो लास्ट जजमेंट हुई क्रिश्चियनिटी को लेके उसके बारे में, जीसस क्राइस्ट को लेके, द रीसरेक्शन जो हुई उसके बारे में, एंड अदर टेनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में भी वो बात करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ना देखिए, मैंने पहले बोला साइंस एंड रिलीजन को डिस्कस करते हैं। सो बहुत सारे और भी राइटर्स थे जिन्होंने रेफरेंस लिया है इस पर्टिकुलर वर्क का। तो रेफरेंसेस अगर आप किसी वर्क से लेते हो ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, सो जॉन ड्राइडन जो है उन्होंने इमिटेट किया है अपने टाइटल को। एक ग्रेट पोएम उन्होंने लिखा था जिसको रिलीजियो लेइसी नाम रखा है। इसका नाम आपको पता है ना, रिलीजियो मेडिसी। इसका नाम जो इन्होंने रखा है रिलीजियो लेसी। ठीक है, सैमुअल पेपीज ने भी बहुत बार जो है अपनी डायरीज में, उनकी फेमस डायरी है ना, सैमुअल पेपी की बहुत फेमस डायरी है जो कि आपको पढ़नी है, कब आई, कब क्या हुआ, ये ध्यान में रखना है। सो डायरीज कंप्लेन दैट द रिलीजियो वॉज क्राइड अप टू द होल वर्ल्ड फॉर विट्स एंड लर्निंग। तो उस बहुत बार जो है उसके बारे में मेंशन किया है रिलीजियो के बारे में, और कहते हैं बहुत ज़्यादा ही ये परेशान है और बहुत ज़्यादा जो है विट एंड लर्निंग के बारे में बात करता है। देन थॉमस डी क्विंसी जो थे उनका एक वर्क है, आई होप यू नो इट, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। हम रोमांटिक एज में ये कवर करेंगे। ऑल्सो प्रेज इज स्टेटिंग, तो उसमें भी इन्होंने ये यूज़ किया है। देखिए कहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे है ना, आई डू नॉट रिकलेक्ट मोर देन वन थिंग सेड एडिक्वेटली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक इन ऑल लिटरेचर। इट इज़ अ पैसेज इन रिलीजियो मेडिसी ऑफ सर टी ब्राउन, थॉमस ब्राउन दैट स्टैंड्स फॉर, एंड दो चीफली रिमार्केबल फॉर सब्लिमिटी एंड हैज ऑल्सो अ फिलोसफिकल वैल्यू इन एज मच एज इट पॉइंट्स टू द ट्रू थ्योरी ऑफ म्यूजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, I do not recollect more than one thing said adequately on the subject of music in all literature. It is a passage of religio medici of Sir Thomas Brown, and though chiefly remarkable for its sublimity, has also philosophical value inasmuch as it points to the true theory of musical effects. Okay, now moving on. देखिए कार्ल जंग भी आपको पता होगा, मार्क्सिज्म है ना। सो कार्ल जंग ने भी ये टर्म यूज़ किया है रिलीजियो मेडिसी को अपने राइटिंग्स में बहुत बार, एक बार भी नहीं, सेवरल टाइम्स। ठीक है, सेकेंड सॉरी लास्ट जो टर्म है और आप कहोगे वर्क है हाइड्रियोट्रेफिया। ठीक है, ऑन बरियल भी कह सकते हो, और आप डिस्कोर्स ऑफ द सेपल्क्रल अर्न्स भी कह सकते हो, लेटली फाउंड इन नॉर्थ फॉक। ठीक है, आपको कब पब्लिश हुई बस इतनी ध्यान रखनी है, 1658, दैट्स इट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टाइटल, द होल टाइटल। ये भी है इसका टाइटल, ऑन बरियल भी है टाइटल, ये भी टाइटल है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट राइटर ऑफ द डे, जेरेमी टेलर। ठीक है, 1613 टू 1667।
नाउ ए क्लरिक थे इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड हु अचीव्ड फेम एज एन ऑथर ड्यूरिंग द प्रोटेक्टोरेट ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल। ऑलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिली। किसी किसी होती है कुछ कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं, तो उनके वर्क्स के वजह से इन्हें जो है फेम मिली। नोन एज शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पे और एक क्वेश्चन आया था, जब आप क्वेश्चन करोगे ना यू विल गेट टू नो। जेरेमी टेलर को और भी किसी नाम से बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। नाउ शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। प्रोज राइटर हैं और वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स माने जाते हैं इन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नाउ द वर्क जो है आपको ध्यान रखना है, पहला होली लिविंग एंड होली डाइंग, ये बेसिकली ना कलेक्टिव वर्क है, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा होली लिविंग एंड होली डाइंग, तो जो कलेक्टिव वर्क है जिसको एक साथ में रखा गया है, और जो है किस पे है, क्रिश्चियन पे है। ओरिजिनली इसको जो है पब्लिश कराया गया था एज द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग इन 1650 एंड द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली डाइंग इन 1651। ओके, इसको ओरिजिनली कैसे पब्लिश कराया गया है, द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग इन 1650 एंड द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग 1651, राइट। नाउ देखिए, होली लिविंग जो है डिज़ाइन की गई थी, मतलब लिखा गया था बहुत सारी चीज़ों को जैसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए लोगों को कि आप वर्च्यूस लाइफ कैसे जी सकते हो, कैसे कोई बेकार की हैबिट के बिना कोई अच्छी सी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो, इंक्रीजिंग पर्सनल पिटी एंड अवॉइडिंग टेम्पटेशंस, ठीक है। कैसे आप अवॉइड कर सकते हो टेम्पटेशंस, पर्सनल पिटी कैसे आप जो है कर सकते हो, जब इंक्रीज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है इस पे आपको गाइडेंस मिल रही है। एंड होली डाइंग जो है इज़ मीन टू इंस्ट्रक्ट द रीडर इन द मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्लेस्ड डेथ। डेथ से सब डरते हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं नहीं डरती या क्या है, आई डोंट इवन नो, ठीक है। सो बहुत लोग डरते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, बट यहाँ होली डाइंग में आपको ना इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि कैसे आप इसे एज मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट की तरह ले सकते हैं और एक ब्लेस्ड डेथ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ही इज जस्ट सेइंग टू प्रिपेयर फॉर द ब्लेस्ड डेथ, बट आई फील I have a different perception. I don't think you need to know. So holy dying basically आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। For example, जैसे कि ये जो है ना अर्जुन है, you can relate with him, अर्जुन। And Krishna is actually, वो गीता जब होती है ना, गीता का जो पाठ चलता है, जब भी महाभारत जो होती है, महाभारत के क्षेत्र में जो होती है, तो होली लिविंग, तो अर्जुन बहुत अच्छे ज़िंदगी जी रहे थे, वो आपको एक्चुअली में सिखा सकते हैं, इससे आप ध्यान रख सकते हो। होली डाइंग बहुत अच्छे से ब्लेस्ड डेथ के लिए प्रिपेयर करना कृष्णा आपको सिखाते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। एंड वी हैव डन फॉर टुडे, वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज लेक्चर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और चीज़ें जो है रिवाइज करते रहिए जितना कर सकते हैं, और जितनी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, इट विल ओनली एड एक्स्ट्रा मार्क्स टू योर रिजल्ट। ओके, थैंक यू।